स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। फिलहाल टाइम हो रहा है 5:28 और अभी हम लोग कहाँ जा रहे थे, अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं आज बरेली। और पिछले टाइम डॉक्टर को दिखा के आए थे तो इस बार हम लोग डॉक्टर ने बोला था कि थोड़े समय के बाद मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे वापस आ जाना। तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं डॉक्टर के पास बरेली में, तो मतलब हॉस्पिटल में बरेली के। तो चलो चलते हैं और मैं तो तैयार हो गया। और आज भैया नहीं आ रहे, आज मम्मी मेरे साथ चल रही है, तो मैं और मम्मी चल रहे हैं। तो चलो चलते हैं अभी। अपना बाहर रिक्शा भी आ गया, रिक्शा वाले भैया जो थे वो भी आ गए। तो चलो चलते हैं अभी बाहर। चलो ये भैया यहाँ पे मंदिर ये सुबह, अभी सुबह सुबह बारिश भी हो रही है, देखो आप बारिश की। और यहाँ पे ये ही चल रहा है, ये देखो कहा था ना ये रिक्शा रखी है, तो ये रही हमारी रिक्शा। तो अभी ये काम करते हैं, फटाफट से जूते पहनते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलो जूते पहन के रेडी है, ये मम्मी भी आ गई है, ये रहा हमारा रिक्शा, रिक्शा आ गया सबसे में करके नीचे जा रहे हम लोग। और बढ़िया एकदम वीडियो बना रहे। हाँ, तो आर्मी का जो बस स्टॉप है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अभी तो चलते 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 हैं, तो तब आपको सुबह से हम लोग चल पड़े हैं घर से वही आर्मी वाला जो बस स्टॉप है वहाँ पे, वहाँ के लिए। हाँ तब भी खुल गया पानी, रात में बारिश हुई ना, पर्दा क्यों नहीं लगाए हैं? पर्दा क्यों नहीं लगाए हैं? पर्दा लगाए थे, हट गए थे, फिर हमने हटाई दिए, उन्हें हटाओ। लगा ले भैया, बिना पर्दे के कहाँ चलेगा जी? पिछले टाइम मैंने शूट नहीं किया था, इस बार शूट कर रहा हूँ, दौड़ रहा है। मतलब ये भी चाहता कि हम लोग जाए हमारे साथ बैठे, देखते हैं भैया को बोलते हैं कि बेचारे को भी बैठा दो। आगे ठीक है, आ जा भाई। भैया बोल रहे हैं भैया को कुछ काम है और भैया जा रहे हैं, तो इसलिए सुबह से हम लोग रिक्शा से उतर चुके हैं और आ गए हैं आर्मी के जो बस स्टॉप है। यहाँ से हमें बरेली के लिए बस मिलेगी यहाँ से। तो अभी मैं ज़्यादा जोर पर नहीं बोल सकता क्योंकि ये आर्मी गया फिर जैसे लिखे गए और ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकता। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ जब आर्मी की बस में हम बैठेंगे, तो उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो और अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सूर्य है बाहर का व्यू हमारा। सो अभी 3 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से बरेली के लिए।
यहाँ पे अभी रुक के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय वाय पी गए और यहाँ पे हम लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं, चने और रोटी। तो ये मम्मी खा रही है, अभी मैं भी खाता हूँ और मैं आपको सीधा बनाता हूँ चने और रोटी खाने का। तो चलो वही ब्लॉग है। आप सोच रहे अभी मैं घर कैसे गया, सो मतलब ये उसके सेकंड डे के बाद मैं इसका स्टोरी बता रहा हूँ आपको। सो मैंने आप सोच रहे कि मैं एमआरएम में जाके मैंने शूट क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली मेरा क्या हो गया था, मेरा मोबाइल बस में ही स्विच ऑफ हो गया था और मैंने सोचा था कि मम्मी का मोबाइल लेके मैं जब एमआरएम के वॉशरूम आऊँगा तो तब मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन मम्मी ने मोबाइल भी नहीं दिया और उसमें काम भी बहुत पड़ गया, तो इसलिए मैंने उस वक्त शूट भी नहीं कर पाया मैं, तो उसके शूट नहीं किया। सो उसके बाद वहाँ पे उस दिन हमें 2 बजे तक रहना पड़ गया उधर। सो मतलब बहुत ताजबाज हुआ, मतलब बहुत कुछ काम हुआ उधर, तो काम कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से 2 बजे निकले, सो 2 बजे हम लोग एमआरएम से बाहर निकले। तो उसके बाद मेरे पास क्लिप है जब हम लोग रिक्शा में बैठे, एमआरएम के बाहर से रिक्शा में बैठे, तो उस वक्त का मेरे पास क्लिप है, सो आप वो देखिए पहले। जो बरेली का आर्मी का हॉस्पिटल वहाँ से बाहर निकलते हैं, हमें रिक्शा मिल गई ई रिक्शा और हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से बरेली का जो बस डिपो है, जहाँ से हमारे को हल्द्वानी के लिए बसें मिलेगी और ये भैया अभी छोड़ रहे हैं। सो अभी आपको दिखाएंगे हम लोग फ्रंट कैमरे से आगे का व्यू। सो ये है कुछ इस तरह का व्यू है और अभी तो यही है। तो अभी काम करते हैं हम लोग, फटाफट से बरेली के जो बस डिपो वहाँ पे पहुँचते हैं और हल्द्वानी की बस में जब हम लोग बैठेंगे तो तब आपको दिखाते हैं। तो चलो ये हमें ले जाएगी अब हल्द्वानी तक बरेली से, आपको व्यू दिखाता हूँ बस का व्यू। अभी तो फिलहाल खाली सीट्स हैं और बाहर का व्यू भी दिखाते हैं, तो अभी यही है बाहर का व्यू का, फिलहाल के लिए तो यही है बाहर का व्यू अभी तो यही है। तो अभी एक काम करते हैं फटाफट से हल्द्वानी बैठते, हल्द्वानी में जब कलशा मंदिर से हम लोग रिक्शा में बैठते हैं तो तब आपको दिखाते हैं। हम लोग बस से उतर के अभी बैठ चुके हैं रिक्शा में और रिक्शा वाले भैया चल रहे हैं हमें गोकुलधाम कॉलोनी। सो अभी आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरे से। सो ये रहे हमारे रिक्शा वाले भैया और ये रहे मेरे भैया और ये रहे मम्मी और ये रहा मैं, और ये एक पुराना वीडियो है तो इसलिए इसमें आपको वीडियो में भैया दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त तो मैंने शूटिंग किया तो इसलिए, सो इसी की मदद ली है। सो अभी तो यही है। तो अभी एक काम करते हैं, मोबाइल में बैटरी भी कम है तो अभी आपको सीधा मिलते हैं हम लोग घर के अंदर, तो तब आपको दिखाते हैं। सो बस इस मोबाइल में थोड़ा चार्ज वार्ज कम था तो आने के बाद थोड़ा चार्ज वार्ज लगाया और कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए। सो ये व्लॉग बहुत लंबा बन चुका है, सो इस व्लॉग को इधर ही करते हैं। होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं मेरे किसी ऐसी वीडियो में, टिल देन चलो बाय गाइस।